आप कहो कोई भी यहाँ जो लोग ये ब्रह्म की बात करते हैं, गलत की बात करते हैं, उनको एक बार देख के देखो कि घर में जो तड़पते हुए माँ बाप को देखता है उसको साधना करने के लिए बोलो, घर में बेटी बड़ी हुई है उसकी शादी नहीं हुई उसको साधना करने के लिए बोलो, क्या कर सकता है? पहले उनको श्रेष्ठता के साथ उस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति प्रदान करो। और गुरु जी कह रहे थे, उसी लिए गुरु जी ने लिखा था भौतिक साधना सफलता पुस्तक और लक्ष्मी साधनाओं का पहली पुस्तक गुरु जी ने लिखा था कि तुम पहले सक्षम बनो, बाद में तुम विचार करो कि तुम्हें ब्रह्म की तरफ जाना है। तुम अगर लाल कपड़े पहनकर मालाएं डालकर नाचे तो ब्रह्म नहीं आता, ब्रह्म उसे आता है जो पहले अपने माँ बाप की पूजा करें, माँ बाप को तृप्त करें, अपने बड़ों को तृप्त करें, अपने बच्चों को तृप्त करें, अपने समाज को तृप्त करें, अपने धर्म को तृप्त करें, उस दिन उस बात को आगे बढ़ें। और धर्म में ये सब लोग आते हैं, सब लोग धर्म में आते हैं, समाज आता है, देश आता है, माता पिता आते हैं, बंधुगण आते हैं, सब आते हैं। तुम्हें पहले उन्हें देखना है, उससे बड़ा ध्यान, उससे बड़ा समाज का कार्य, उससे बड़े देवता का कार्य और कुछ भी नहीं है, पहले वो करना है। और हम इन सबसे ऊपर उठकर जब आते हैं तब हमें देवता या देवता की प्रत्यक्ष सिद्धि या साधना में सफलता जरूर मिलेगी और मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा मैं भी माँ बाप वाला हूँ, मैं भी भाई बहन वाला, 6 भाई हैं हम, 1 बहन है, सभी की शादियाँ, सभी के बच्चे, सभी के आज भी सभी को लेकर चलता हूँ, केवल गुरु कृपा से, केवल साधना के बल पर। मैं ऐसा नहीं, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं भी फॉर्चुनर कार में घूमता हूँ, ऐश्वर्यवान हूँ। ऐश्वर्य के साथ गुरु जी ने कहा था, आप अगर एक बार गुरु पूर्णिमा शिविर का साधना शिविर का प्रवचन गुरु जी का देखो, जोशी अगर लक्ष्मी मेरे आंगन में नाचती है तो तेरे आंगन में भी नाचेगी, गुरु जी का वचन था। और आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो लक्ष्मी नाचती है। मैं आज आपको भी यही चाहता हूँ, आप पहले पूर्ण तरह से सक्षम हो, आप समाज की सेवा करने के लायक बने, माता पिता की, समाज की, देश की सेवा करने के लायक बने। आप बीमार पड़े हैं, मैं कहूं कि तुम साधना करो, ध्यान करो, क्या करोगे? आप में शुगर है, बीपी है, लंगड़े हैं, पांव दुख रहा है, घुटने, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मेरे पास आते हैं, गुरु जी साधना में नहीं बैठ सकता, बहुत घुटनों का दर्द है, मैं क्या करूं? घुटनों का दर्द है तो क्यों आया? तुम घुटनों का दर्द रख लेकर मैं तुम्हें साधना करने के लिए कहूं या जंगल में चलने के लिए कहूं तो तुम आओगे? और जंगल में नहीं जाने से क्यों? हमारे घर में कितनी पवित्रता है आपको पता है, अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ अच्छा बुरा सब कुछ करते हैं, क्यों साधु सन्यासी या अघोरी वगैरह सब स्मशान या जंगल में जाकर साधना करने को जंगल का चयन क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ एक ऐसी पवित्रता है जिसमें वायु हो या ऐसे कोई गंदे लोग वहाँ पाँव नहीं रखे। और चाहती है, आपने कभी ललिता माता जिसको महालक्ष्मी महाकाली भी पंखा छूते हैं, विष्णु भगवान, रुद्र, गणपति आदि उसके आसन के पाँव के ये बने हुए, यानी आसन के पाँव बने हुए, ऐसी ललिता माता जब पृथ्वी पर आना चाहती थी तो उसने कहा पृथ्वी पर ऐसी जगह बताओ जहाँ पवित्र है, मैं आकर बैठ सकूँ। तो सभी लोगों ने कहा, ब्रह्मा विष्णु ने कहा ऐसा है, मैं आसन बनता हूँ, मैं बैठता हूँ। कहा तुम पवित्र हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को कहती है माँ ललिता तुम पवित्र हो, तुम्हें कैसी सिद्धि मिलेगी? तब शिव जी कहते हैं कि ध्यान में अगर माँ तुम्हें लगता है कि मैं पवित्र हूँ तो मैं तुम्हारा आसन बनना चाहता हूँ। और आप ललिता माता को देखते हैं, शिव जी सोए हुए हैं और उनके ऊपर ललिता माता ने आसन करके पृथ्वी पर आई है और जो ललिता की साधना करता है वो किसी देवता की साधना करने का अधिकार नहीं, सब सारी साधनाएं उसमें हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी ऐसी जगह। हमारे घर में पवित्रता कहाँ है? हम कितने अपने बच्चे अच्छा बुरा कुछ भी करते हैं, हमारा संसार में हम करते हैं और हम साधना करने मिलते हैं, कितना भी पवित्र करें, छोटी छोटी साधनाएं सफलता के लिए होगी लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धि कम होगी। प्रत्यक्ष सिद्धि होने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे जीवन के मैं कहता हूँ, गुरु जी से मैंने 1982 में 82 में मैंने दीक्षा ली थी, 86 और 1993 तक जब तक गुरु जी कृपा हुई, मैं नौकरी भी करता था, पत्नी बच्चे भी थे, माता पिता भी थे, लेकिन फिर भी हर महीने के 5 दिन 6 दिन मैं जंगल में जाकर साधना करता था श्री शैलम के लिए, क्योंकि घर में उतनी पवित्रता नहीं रहती थी। और आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ बस उन साधनाओं का फल है जो मैं आपके सामने हूँ, और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा है जिन्होंने दीक्षा देकर कहा था कि जोशी तेरे जीवन में कुछ नहीं कम पड़ेगा, तू साधना के मार्ग पर आके आयोजन में। आज भी कह रहा हूँ तुम्हें, कभी गुरु जी बुलाकर ही मैंने को 2-3 बार उन्होंने शक्तिपात दीक्षा की है, लेकिन मैंने शक्तिपात दीक्षा पीछे नहीं करा। और गुरु जी ने, मैं बार बार कहता हूँ, गुरु जी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की, गुरु जी चाहते थे कि साधक बने। ऐसा हुआ नहीं, हुआ तो एक को बताओ, किसी को आज तक किसी को बताओ जिसने साधना नहीं की केवल शक्तिपात की, वो सिद्ध हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। शक्तिपात का अर्थ होता है शक्ति को तुम्हें प्रदान करना साधना करने के लिए, ये मेरी भावना है।
इसका कोई भी दूसरे लोग कैसा कहे या कहे कहे उसका मेरे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ साधना जरूर करनी ही चाहिए, गुरु मंत्र नित्य करना ही चाहिए, साधनाओं को करना ही चाहिए, और साधनाओं के बल पर हम देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। कितने भी लोग हो, आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखकर, क्यों वो लोग सालों साल जाकर जंगल में साधनारत रहते थे? अगर उनको शक्तिपात दीक्षा से ही साधना होती थी तो ये चीज़ें क्यों करनी पड़ी? चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, अपने गुरुकुल में अपने गुरु जी के साथ जाकर रहे, सराय रामचंद्र जी हो, वशिष्ठ महर्षि के साथ गुरुकुल में जाकर रहा, वहाँ वशिष्ठ के आश्रम में रहे, विश्वामित्र हो, भाईगिरी हो, कार्तिकीरंजन हो, कर्ण हो, भीष्म हो और द्रोणाचार्य हो, ये सब लोग अपने गुरुकुल में जाकर साधना प्राप्त करते हुए साधना किए हैं, तब कहीं वो महान हुए। इसके पीछे कौन सी साधना कब किस तरह करनी चाहिए, यह जब तक साधक को पता नहीं चलता वो साधक भटकता ही रहता है। और बहुत सारे साधकों को ये कहते हुए मैं देखा हूँ, गुरु जी हम 14 साल हो गए साधना कर रहे हैं, हमें कुछ भी क्यों नहीं है भाई? तुम कभी टटोल के देखे हो कि तुम्हारे जीवन में क्या हुआ है? तुम किसके रहते हो? क्या गुरु को तुम अगर 14 साल से साधना कर रहे हो तो क्या गुरु जी के उपकार कर रहे हो? अरे तुम नहीं तो 10 साल शिष्य है, गुरु जी ने कोई ऐसी कला सिखाई है कि मैं जंगल में भी जाकर साधना करते आनंद अनुभव करते हुए रह सकता हूँ। भाई तुम्हारे लिए इतना जूझना क्यों? क्यों जूझ रहा हूँ तुम्हारे लिए आश्रम मांगकर, तुम्हारे हर क्षण तुम्हारे बच्चे पत्नी सभी को देखकर क्यों जूझ रहा हूँ? मुझे क्या जरूरी है बोलो? मैं मेरा भी जिंदगी जी सकता हूँ, तुम्हें लेकर चलने की क्या बात? मेरा केवल एक जीवन का लक्ष्य है, मेरे गुरु जी का नाम संसार भर में हो, मेरे गुरु जी ने जो मार्ग चलाया उस मार्ग को मैं अक्षुण्ण रूप से आगे चलाऊँ, और देखो कि उस अक्षण रूप में वो देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए हो, देश के लिए हो, कितना लाभदायक है। ये संसार बोले, गुरु जी भी कहते हैं, आज मैं कहता हूँ केवल अगर संसार सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकता है, केवल डॉक्टर नारायण श्रीमाली सद्गुरुदेव जी का स्वामी निखिलेशानंद के शिष्य ही बना सकते हैं, बाकी सब लोग केवल बातें करने वाले हैं, केवल ब्रह्म ज्ञान के बारे में, तुम्हारे घर के बारे में ये बातें नहीं, तपस्वी लोग, साधना करने वाले लोग केवल परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेशानंद जी के शिष्य ही हैं।